बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा कलियों वाली फ्रॉक लेकर आए हैं। ये तकरीबन 19 साल की बच्ची का है। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे गले का 3 इंच पे, फिर हम निशान लगाएंगे 3 इंच पे, तीरा हमारा होगा 14 इंच, तो हम 18 इंच पे निशान लगाएंगे। 9 इंच क्योंकि कलियों में हमारा कपड़ा जाएगा, तो 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब इधर हमने 3 इंच पे निशान लगाया, इधर हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और फिर हम 5 इंच पे निशान लगाया, दूसरा हम निशान 7 इंच पे लगाएंगे, 5 इंच पे नहीं लगाएंगे, 7 इंच पे लगाएंगे, फिर तीसरा निशान हम 7 इंच पे लगाएंगे। अब हम इन निशानों को मिला लेते हैं। एक निशान हमने लगा लिया, अब हम दूसरा निशान लगाएंगे, ये हमारा दूसरा निशान लग गया। अब हम ये तीसरा निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारे निशान लग गए। नौ इंच पे हमने ये निशान लगाया था। अब सबसे पहले हम कलियां काट लेते हैं। Thank you.
तरह से ये हमने रो की कटिंग कर ली है। अब हम इन पीसों को आपस में जोड़ेंगे। ये हमने लेस ली है, अब हम इस तरह से इन पीसों को आपस में लेस की मदद से जोड़ेंगे। ये तमाम पीस मैं जोड़ती हूँ, दो इस साइड पे डालिए, दो इस साइड पे डालेंगे। ये कपड़ा मैंने वैसे लगाया, कटिंग के बाद ये कपड़ा हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। बैक साइड भी मैंने इसी तरह जोड़ी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तीरा हमारा 15 इंच है, तो हम यहाँ 16 इंच रखेंगे। आठ इंच पे इधर हम निशान लगाएंगे। साढ़े 3 इंच पे इधर निशान रखेंगे और इस तरह से जैसे गुलाई में शेप देंगे। कंधा हमारा 20 इंच, चेस्ट हमारी 20 इंच है। 6 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे कमर पे। पंद्रह इंच हमारी कमर का निशान जाएगा इस तरह से पूरे घेरे पे ये निशान लगाएंगे। इधर ये हमारी रेब आ रही है, इसलिए इसे थोड़ा सा आधा इंच हम रेब में कटिंग करेंगे। हम फ्रंट साइड पे ये निशान लगाएंगे।
यहाँ कट का निशान रखेंगे। बीस इंच यहाँ पे निशान, छह इंच पे यहाँ पे रखेंगे, कमर पे निशान लगाएंगे, 15 इंच हमारा ये निशान होगा कमर का। और आगे हम फ्रॉक का इस तरह से निशान खुला रखेंगे, कमर तक हम फिटिंग रखेंगे। अब हम इसका गला तैयार करेंगे। चार इंच पे हम निशान लगाएंगे, वे गला हमने बनाना है, और 4 इंच पे ही लंबाई पे निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसके दरमियान में देखना, हम इसके दरमियान में से इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से अब हम इसे कट करेंगे और लूप्स बनाकर इसमें हम लूप्स लगाएंगे। अब मैं लूप्स बनाती हूँ और आपको किस तरह लगाना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने लूप्स बना लिए, इस तरह से मैंने ये लगा लिया 1-1 इंच के करीब। एक एक इंच के वक्फे पे मैंने ये लूप्स लगाए हैं। इनके नीचे मैंने कपड़ा लिया 4-4 इंच का, इसको दरमियान में रख के मैंने इस तरह से ये अटैच कर लिया। कपड़ा लगा लिया, अब मैं इसे दरमियान में कट करती हूँ। इस तरह से ये हमने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना।
2 इंच ये मैंने कपड़ा लिया, इसे इस तरह से मैंने फोल्ड किया। इस तरह से हम ये लगाएंगे। इस तरह से लगाऊंगी, इस साइड पे भी सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए जी, मैंने गले पे मोती लगा कर वैसे ही लैस लगाई है और ये बाजू बनाए हैं। और इसे मैं फाइनल कर लिया। देखिए कितनी प्यारी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।